नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल देसी मसाला तड़का में। आज हम आपको दिखाएंगे कि पपड़ी कैसे बनती है। दोस्तों, होली आने वाली है तो उसकी पहले से ही हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो देखिए पपड़ी कैसे बनती है। हमने मैदा ली, मैदा लेने के बाद उसे माड़ लिया। माड़ने के बाद दोस्तों उनकी पपड़ी बनाई जा रही है। तो देखो पपड़ियाँ कैसे बन रही हैं। पपड़ी बनाई जा रही हैं और पपड़ी बेलने के बाद दोस्तों, बेलने के बाद फिर उसमें छेद की जाती हैं। ये छेद हो रहा है और उसके बाद दोस्तों इसे एक पेपर के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों होली पर ये पपड़ी बनाई जा रही हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें एक बार इसी तरीके से। हम आपको दिखा रहे हैं कि पपड़ी कैसे बनती है। मैदा की पपड़ी है दोस्तों ये। दोस्तों इस आटे के अंदर हमने पहले से ही अजवाइन, कस्तूरी मेथी, नमक और रिफाइंड डाला है और उसके बाद हमने इसको बेला। बेलने के बाद हमने ये पपड़ियाँ तैयार की हैं। दोस्तों देखो हमारी पपड़ियाँ कितनी सारी बन चुकी हैं। ये होली की तैयारी हो रही है। होली पर आप भी बनाएं शानदार शानदार डिश। तो ये हमारी पपड़ियाँ बिलकर हो गई तैयार। दोस्तों अब हम बनाने जा रहे हैं नमक पारे। जो हमने पपड़ियों का आटा मार के रखा था उसी में से हम नमक पारे बनाने जा रहे हैं। पहले हमने लोई को बेल लिया, जैसे रोटी बेलती है उसकी तरह पहले हम बेल लेते हैं। और दोस्तों ये हमने रोटी की तरह हमने लोई को बेल लिया है नमक पारे के लिए। और होली पे आप भी ट्राई करें, होली आने वाली है तो नई नई डिशें ज़रूर बनाएं अपने लिए। तो हमने ये लोई बेल ली पहले, और बेलने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, चाकू की सहायता से उस जो रोटी हमने बेली है उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों देखो किस तरीके से कट करना है। ये हमने रोटी को कट कर लिया एक साइड से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अब दोस्तों हम उस रोटी को दूसरी तरफ से भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और काटने के बाद दोस्तों ये पेपर पर इस तरीके से बिछा देंगे। तो दोस्तों ये देखो इस तरीके से पेपर के ऊपर इन्हें बिछा लेंगे। दोस्तों चलिए आइए बनाते भट्टी। हमने एक कढ़ाई ली, उसमें हमने रिफाइंड का तेल गरम कर लिया और अब हम अपनी जो मट्ठियाँ हमने बेल के रखी थी अब उन्हें हम तेल में अंदर डाल देते हैं। ये देखो दोस्तों अब एक एक करके हम सारी मट्ठियाँ हम तेल के अंदर डिप करा देंगे। तो दोस्तों होली का जो अवसर है वो दो चार दिन में आने वाला है। अपने यहाँ पर आप मट्ठियाँ और अच्छे अच्छे पकवान ज़रूर बनाएँ और सबको खिलाएं भी। ये दोस्तों देखो हमारे जैसे जैसे मट्ठियाँ तेल के अंदर फ्राई हो रही है वैसे वैसे वो ऊपर आ रही हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों जब हमारी मट्ठी या पपड़ी सिक जाए, ब्राउन कलर की हो जाए, तो उसे हम तेल में से बाहर निकाल लेते हैं। कुछ इस तरीके से देखिए इन्हें बाहर निकाल लीजिए। जब ये आपकी पपड़ी सिक जाए, ब्राउन कलर की हो जाए, तो इन्हें बाहर निकाल लें। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों पपड़ी के बाद अब हमने जो नमक पारे बनाए थे अब उन्हें भी सेक लेते हैं ऑयल के अंदर डालकर। तो अब हम देखो ऑयल के अंदर नमक पारों को डाल रहे हैं। कुछ इस तरीके से डाल दें एक एक करके।
सारे नमक पारों को डाल दें। तो दोस्तों होली का जैसे अवसर आ रहा है तो हम भी बहुत सारी चीज़ें डिश बना रहे हैं खाने के लिए होली पर, आप भी ज़रूर बनाएं और एक बार ये नमक पारे और पपड़ी ज़रूर ट्राई करें होली पर। मैं कह सकता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी ये खाने के लिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें देसी मसाला तड़का को, और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, फैला दें दोस्तों। तो जब हमारे नमक पारे ऑयल में डल जाएँ तो उन्हें कुछ देर के लिए सेकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाए। दोस्तों जब हमारे नमक पारे ब्राउन कलर के हो जाएँ तो अब उसे ऑयल के अंदर से बाहर निकाल लें। देखो हमारे नमक पारे ब्राउन कलर के हो चुके हैं और अच्छे से सिक चुके हैं, करारे हो चुके हैं, तो इन्हें बाहर निकाल लीजिए कढ़ाई से। ये देखिए दोस्तों हमारे नमक पारे सिक चुके हैं।